और वहीं चर्चित शक्तिमान घोड़ा विवाद मामले में गणेश जोशी को राहत मिली है। सरकार ने मुकदमा वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक गणेश जोशी पर नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया है और शक्तिमान घोड़े की मौत पर गणेश जोशी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो धारा 147, 148, इसके अलावा 332, 353, 34, 138, 429 के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया था और अमित शाह के निर्देश के बाद अब मुकदमा वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या ताजा जानकारी इस बीच मिल रही है? कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के निर्देश के बाद अब इस मुकदमे को वापस लिया जाएगा। देखिए, समाचार प्लस ने पहले इसका खुलासा किया था कि अमित शाह ने जिस तरीके से अपने प्रदेश के नेताओं को साफ निर्देश दिए थे, सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार होने के बावजूद अगर कार्यकर्ता मुकदमा झेले तो वो किसी सरकार के लिए ठीक बात नहीं है। तो उनके निर्देश के बाद मुकदमे वापसी शुरू हो गई है और सबसे पहले ही गणेश जोशी को राहत मिली है। जो चर्चित मामला हुआ था शक्तिमान पुलिस का जो घोड़ा था उसकी टांग तोड़ने का, और उसके बाद गणेश जोशी के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और बकायदा 17 अगर कहा जाए तो मार्च को उनको बकायदा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जेल में भी रखा था, जिसके बाद उनको रिहाई मिली थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार ने ये कदम उठा लिया है। आने वाले दिनों में कई और मुकदमे जो धरने प्रदर्शन और इनसे जुड़े हुए हैं तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के, उनके भी मुकदमे वापस हो जाएंगे। जी, यानी पंकज, एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ पार्टी के नेताओं के लिए होगी बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी होगी। ठीक है, ये कार्यकर्ताओं के लिए भी है और ये सौगात है दिवाली से पहले अमित शाह की अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। उन्होंने साफ तौर पर कहा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और जो उनके मुकदमे हैं जो लगातार सरकार को पार्टी को सरकार में लाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है उसके ऊपर अगर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उनको वापस लेने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जी पंकज, बिल्कुल, और इसे अमल में लाना शुरू कर दिया। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।